उमरान मलिक की जमकर हुई धुनाई, नीतीश राणा ने जमकर वाट लगाई, हर गेंद पर लगाए चौके छक्के, एक ओवर में ठोके 28 रन। उमरान मलिक की आईपीएल 2023 के 19वें मुकाबले में धज्जियां उड़ गई। उनके एक ओवर की हर गेंद पर चौके छक्के लगे। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने आईपीएल के सबसे तेज गेंदबाज सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक की जमकर धुनाई की। छठे ओवर में गेंदबाजी के लिए अटैक पर आए उमरान मलिक, उनके सामने नीतीश राणा थे और फिर मचा धमाल। एक ओवर से पूरा का पूरा स्टेडियम गूंज उठा क्योंकि इस एक ओवर में बने 28 रन। उमरान मलिक के इस ओवर की पहली गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से राणा ने चौका जड़कर उनका स्वागत किया। राणा ने जिस तरह से उमरान मलिक का स्वागत किया उससे उनके इरादे भी साफ जाहिर हो गए थे। वो शुरुआत से ही अटैकिंग मूड में नजर आ रहे थे। उमरान मलिक की पहली गेंद पर चौका जड़ने के बाद नीतीश राणा को रोकना मुश्किल हो गया। इसके बाद इस ओवर की अगली 5 गेंदों में पूरा स्टेडियम राणा का नाम गूंजने लगा। मैदान पर मौजूद दर्शक राणा के नाम का गुणगान करने लगे। चलिए आपको बताते हैं ये आखिर क्यों और कैसे हुआ। उमरान मलिक की उड़ी धज्जियां, ऐसे दिए एक ओवर में 28 रन। बात इस ओवर की पहली गेंद की करें तो पहली गेंद पर शॉर्ट फाइन के ऊपर से राणा ने चौका जड़ा और उमरान मलिक का स्वागत किया। इसके बाद जब उमरान मलिक दूसरी गेंद फेंकने के लिए आए तो उमरान मलिक के इस ओवर की दूसरी गेंद पर राणा ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद एक बार फिर से उमरान मलिक फेंकने के लिए आए, राणा इस बार भी तैयार थे और एक बार फिर से नीतीश राणा ने चौका लगा दिया। 3 बाउंड्री खाने के बाद भी उमरान मलिक अपनी गलती में सुधार नहीं कर पाए। चौथी गेंद एक बार फिर बाउंस के साथ एक्स्ट्रा कवर की ओर गई और राणा ने इस पर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर शॉर्ट फाइन के ऊपर से केकेआर के कप्तान ने एक और चौका जड़ा। पहली 5 गेंदों में राणा ने उमरान मलिक की धज्जियां उड़ा दी थी। आखिरी गेंद को तो राणा ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचा दिया। इस ओवर में उमरान मलिक ने 28 रन लुटाए। आखिरी गेंद को जैसे ही राणा ने बाउंड्री के पार पहुंचाया, उमरान मलिक अपनी ही गेंदबाजी से काफी निराश नजर आए। अंपायर भी उनके इस ओवर को देखते ही रह गए और नीतीश राणा की इस तरह की धुआंधार पारी से पूरा का पूरा ईडन गार्डन्स झूम उठा। हालांकि इसके बाद भी नीतीश राणा की ये तूफानी पारी केकेआर के काम न आई और उमरान मलिक ने सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाई। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 23 रन से इस मुकाबले को जीत लिया और ये इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की दूसरी जीत रही। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन की अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। धीरे धीरे ये टीम एक के बाद एक मुकाबले जीतती जा रही है और विरोधी टीमों की परेशानियां बढ़ाती जा रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी? क्या एडन मार्करम एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल का चैंपियन बना पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।